हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो शेंजन कंट्री का, जैसे कि यूरोपियन कंट्री का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करें। मेरे केस में मैंने जो जो एक्सपीरियंस फेस किए हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, मैं आपको सारे डिटेल बताऊँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ रखे हैं शेंजन कंट्री का कैसे विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, लेकिन फिर भी कई लोगों के कॉल्स मैसेज आते हैं कि हम प्रोसेस स्टार्ट कैसे करें क्योंकि वो लोगों ने ऑलरेडी एजेंट लोगों को या जो भी विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं कंसल्टेंट वाले उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो लोग बताते हैं कि 1200 पाउंड 1500 पाउंड पर पर्सन का वो चार्ज करते हैं। इवन अगर बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट डेट लेनी है फिर अपॉइंटमेंट डेट के लिए भी वो लोग 100 पाउंड 200 पाउंड एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए। तो अगर आप लोग खुद से अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको प्रोसेस कहाँ से आपको स्टार्ट करनी है और कहाँ तक उसको ले जाना है मैं आपको इस वीडियो में सारी आपको डिटेल बताऊंगा। तो आप वीडियो को स्किप ज़रा भी ना करें, अंत तक बने रहिए, आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप शेंजन कंट्री का वीज़ा पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी डेट को ट्रैवल करना है। अगर आप सिर्फ वीज़ा लेने के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी आपको 1-2 महीने के बाद की डेट डिसाइड करके आपको अटैच करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरे केस में हमने मार्च में हमने वीज़ा अप्लाई किया था तो मैंने मई मंथ की डेट मेंशन की थी। सबसे पहले आपको डेट सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपके कितने इंडिविजुअल पर्सन है, लाइक आप मेन एप्लीकेंट हो, जो मेरे केस में मैं और मेरी वाइफ दो है, दो लोगों का हमने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया था, तो दोनों के क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने हम दोनों का ट्रैवल इंश्योरेंस करवाया था। तो सबसे पहले आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना है, मैंने 1 साल का ट्रैवल इंश्योरेंस करवाया था जो यूरोपियन कंट्री भी इंक्लूडेड है, इवन वर्ल्ड की सारी कंट्रीज इंक्लूडेड है। तो मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस इंक्लूड किया था, फर्स्ट मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस करवाया था, उसके बाद मैंने होटल बुकिंग और डमी टिकट्स करवाई थी क्योंकि होटल बुकिंग और डमी टिकट्स हमें अपने वीज़ा फॉर्म के साथ बायोमेट्रिक के दिन हमें अटैच करनी पड़ती है, उसके बाद बायोमेट्रिक की डेट लेनी है। ये सारी चीज़ कैसे करनी है वो मैंने ऑलरेडी इसके सारे वीडियोस बनाए अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आई बटन, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो आपको वहाँ सारे वीडियोस मिल जाएंगे, नहीं तो मैं लिंक्स भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जैसे आप बाकी की चीज़ें होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस और डमी टिकट्स आप जब बुक कर देते हो उसके बाद आपको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेनी है। बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट आप कोई भी एम्बेसी से ले सकते हो, जैसे कि अगर आप स्पेन की एम्बेसी से कर रहे हो तो आपको BLS में जाना है, अगर आप फ्रांस के एम्बेसी से कर रहे हो तो उसकी अलग जो भी है एम्बेसी वहाँ से आपको अप्लाई करना है। पर मेरे केस में मैंने स्पेन कंट्री का अप्लाई किया था, स्पेन की एम्बेसी से मैंने अप्लाई किया था। यानी बायोमेट्रिक की डेट आपको कैसे लेनी है, आपको BLS पे सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। वो अकाउंट जैसे आप क्रिएट करोगे तो आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आप मेन एप्लीकेंट कौन है, उसके साथ स्पाउस में है, किड्स है, कितने लोग आप एडिशनल अटैच कर रहे हो, सबकी आपको डिटेल फिल करनी है। वहाँ पे आपको कौन से सेक्शन में जाना है, एप्लीकेशन के सेक्शन में जाना है, बुक अपॉइंटमेंट का वहाँ पे सेक्शन है, वहाँ पे आपको जाना है और नीचे अपनी लोकेशन सर्च करनी है क्योंकि आप कौन सी सिटी में रहते हो। जैसे मैं बकिंगम शहर में रहता हूँ तो मुझे वहाँ पे लोकेशन सिटी सिलेक्ट करनी है। जैसे ही मैं अपनी लोकेशन सिलेक्ट करूँगा उसके बाद मेरी लोकेशन का मुझे कौन सी एम्बेसी में जाना है वो मुझे शो करेंगे। तो मेरी जो एम्बेसी थी वो लंदन एम्बेसी थी, तो लंदन एम्बेसी मुझे सिलेक्ट करनी है और वहाँ पे ऑलरेडी मुझे सारी डिटेल्स फिल करके मुझे सर्च ऑप्शन में जाना है। जैसे मैं सर्च ऑप्शन में जाऊँगा तो मुझे बायोमेट्रिक की डेट्स अवेलेबल होगी तो वो मुझे शो करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन मेरे केस में मैंने और तकरीबन 1 वीक तक डेली बायोमेट्रिक की डेट चेक की थी, तो आपको दिन में तकरीबन 4 से 5 बार तो चेक करना ही है, कभी भी वो लोग स्लॉट ओपन करते हैं और आपको बायोमेट्रिक की डेट अपॉइंटमेंट मिल जाएगी क्योंकि वो हर वीक का नया शेड्यूल लाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट मंडे टू सैटरडे में अगर बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तो वो ओपन करेंगे उसके 1 वीक पहले, वो ऐसा नहीं करेंगे कि 1 महीने की ओपन करते हैं वो बुक करके दूसरे महीने की ओपन करेंगे, नहीं, हर वीक का वो लोग ओपन करते हैं। किसी को भी आपको एक्स्ट्रा पे देने की ज़रूरत नहीं है, खुद से करोगे 4-5 दिन आप देखोगे आपको मिल जाएगी। अब जैसे ही आप देखोगे आपको अगर बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपको उसमें सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि आपकी डमी टिकट्स, होटल बुकिंग, कौन सी डेट है,
क्या है, कौन से होटल्स है, वो जैसे आप बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बुक करेंगे वहाँ पे आपको सारा फिलअप करना पड़ेगा। जैसे ही आप फिल कर दोगे, बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बुक्स कर दोगे, तो आपको पर पर्सन जो भी उसकी चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा। तकरीबन कुछ 14-15 pounds अपॉइंटमेंट बुक का है पर पर्सन, तो वो आपको पे कर देना है, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कई केसों में क्या होता है, जैसे हमने अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी, लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं करवाना चाहते हो और आप डायरेक्ट वॉक इन में जा रहे हो, तो भी आपको अगर वो वहाँ पे स्लॉट ओपन होगा तो ले लेंगे। क्योंकि हम जब वहाँ गए थे, एम्बेसी 8 बजे खुलती है, तो लोग 6 बजे से मॉर्निंग में लाइन लगा के खड़े थे। तो आपको ये ठीक लग रहा हो तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन उस केस में क्या होता है कि अगर आपसे पहले कोई बंदा आ गया है और स्लॉट अगर एक दो ही ओपन है और आपका चांस नहीं लगा, तो आपको कैंसिल कर देंगे, आपको मना कर देंगे, आपको फिर दूसरे दिन जाना है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो, रेगुलर छुट्टी नहीं ले सकते, तो प्रॉपर बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट आप बुक कीजिए, 3-4 दिन ऑनलाइन देखिए तो आपको मिल जाएगी। तो जैसे आप बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं, उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट में आपको क्या प्रिपेयर करना है, जैसे कि अगर जो मेन एप्लीकेंट है उसका फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है कैसे वो फॉर्म फिलअप करना है, वो आपको सारी डिटेल्स उसमें वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको फॉर्म फिलअप करना है, जितने भी एप्लीकेंट है वो सारे एप्लीकेंट के आपको सेपरेट फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करना है जो मेन एप्लीकेंट है उसकी जॉब डिटेल, जैसे अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के कागजात जो भी है सारा, टैक्स रिटर्न, वो सब आपको शो करना पड़ेगा। अगर जॉब कर रहा है तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जिस कंपनी में आप जॉब करें वो कंपनी का जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर, 6 महीने की सैलरी स्लिप, वो 3 महीने की बोलते हैं लेकिन आप 6 महीने की लगा दो सेफ साइड के लिए, मैंने 6 महीने की लगाई थी, 6 महीने की सैलरी स्लिप लगाओ। NOC लेटर आपको कंपलसरी लेना है, अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो एक जॉब, अगर आपकी 2 या 3 जॉब है तो आपको सारी जॉब की NOC लेनी है। मतलब जितने आप एम्प्लॉयमेंट लेटर और सैलरी स्लिप जितनी जॉब्स के लगा रहे हो सबकी आपको NOC लगानी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट आप हो सके तो 6 महीने का लगा दो, जैसे वो लोग तो मांग तो 3 ही महीने का रहा है, लेकिन कोई कोई बोल रहे हैं कि 6 महीने का भी कोई एम्बेसी मांगती है, लेकिन मेरे केस में मैंने 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगवाया था। फिर वैलिड आईडी में, यहाँ अगर आप UK में रहते हो तो आपका ID वैलिड होगा, जैसे कि BRP वो आपका वैलिड ID है, इवन ड्राइविंग लाइसेंस, बट आप BRP ले जाओगे तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में वहाँ पर आपको शो करवाना है रेसिडेंट का परमिट कार्ड, तो वहाँ पे आपको BRP नंबर, एक्सपायरी डेट, वो सब मेंशन करना है, तो आप BRP ले जाओ। लेकिन अब अगर इंडिया पाकिस्तान कहीं से लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की जो नेशनल ID है, ID वैलिड ID प्रूफ, वो आपको ले जानी है। जैसे इंडिया में आधार कार्ड है, पाकिस्तान वो सब का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जो भी है आपको वैलिड ID ले जानी है। और आप अगर सिंगल हो तो आपको और तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप मैरिड हो तो आपको अपना मैरिड सर्टी ले जाना है कंपलसरी। और दूसरे केस में जैसे कि मेरी वाइफ के डॉक्यूमेंट में भी मैंने सेम एप्लीकेशन फॉर्म, उसका मैंने सेपरेट अलग से फिल किया है, वो भी मैंने अपनी वीडियो में शो करवाया है। मेरी वाइफ की मैंने जॉब शो करवाई थी क्योंकि वो 1 महीना पहले ही जॉब पे लगी थी, तो मैंने उसकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, अगर आपकी वाइफ स्टूडेंट है तो आपको कॉलेज से लेटर लेना पड़ेगा, और अगर कुछ भी नहीं करती आपकी वाइफ के, ना तो जॉब है ना स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, तो आपको कोई अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फिर मैरिज सर्टी अटैच करना है, और ना तो फिर NOC आएगा। लेकिन अगर जॉब करती है तो NOC लेटर कंपलसरी लेना है, और स्टूडेंट है तो NOC वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई कर सकते हो, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। सेम वैलिड ID जो भी BRP है, वो अगर आउटसाइड UK से है तो फिर उसका जो भी कंट्री के हिसाब से जो भी नेशनल ID रहेगा वो आपको अटैच करना है। तो बस ये सारी डिटेल्स है। तो पहले आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करना है, डमी टिकट्स बुक करनी है, डमी टिकट्स जो डेट्स में आप बुक कर रहे हो वही सेम डेट्स में आपको होटल बुकिंग शो करवानी है, ये इतना हो जाए, उसके बाद बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट डेट लेनी है, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। और हाँ, इसमें एक खास चीज़ है, आपको कवर लेटर और आइटनरी, जो आपकी जो पूरी ट्रिप है उसकी आइटनरी, कवर लेटर और आइटनरी जितने भी एप्लीकेंट है उनके साथ सेपरेट में लगाना है। जैसे कि 2 एप्लीकेंट है, मैं और मेरी वाइफ, तो मेरे केस में मैंने दोनों में आइटनरी और कवर लेटर अलग से अटैच किया था। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक मेन एप्लीकेंट है, उसकी वाइफ और 2-3 बच्चे हैं, तो आप एक ही कवर लेटर आइटनरी लगाओगे, नहीं, आपको सबकी अलग अलग फाइल अटैच करनी है, सबके सेपरेट फॉर्म डिटेल अटैच करना है। और कवर लेटर में भी आपको सारा कुछ मेंशन करना है कि आपका पूरा नाम क्या है, आपको आप कहाँ रहते हो, क्या जॉब करते हो, क्या आपकी सैलरी है। फिर उसके बाद दूसरे पैरा में आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आप कौन सी डेट को जाने वाले हो, फिर कितने दिन की ट्रिप है, फिर आप जिस सिटियों में जाने वाले हो
वो सिटी में आप कहाँ पे घूमने वाले हो, आपको तकरीबन थोड़ा रफली आपको वहाँ पे नेम गूगल पे लिख दोगे तो आपको मिल जाएंगे कहाँ का। जैसे मैंने स्पेन लिखा था, स्पेन में मैं बार्सिलोना प्लान कर रहा हूँ, तो मैंने स्पेन के आज अच्छी अच्छी जो फेमस सिटीज़ है, जो भी थोड़ी बहुत जो भी फेमस उसके म्यूजियम्स है, उसके नाम लिख दिए थे कि हम यहाँ यहाँ पे घूमेंगे। वो हमें कवर लेटर में मेंशन करना है, फिर उसके बाद लास्ट में बस उतना ही आपको मेंशन करके थैंक यू, अपना नाम, वो सब डिटेल मेंशन करनी है। और फिर जो आइटनरी है, वो आइटनरी में आपको आप कौन सी डेट को आपकी फ़्लाइट है जाने की, फ़्लाइट आपकी कौन सी डेट की है, तब से लेके आपकी रिटर्न फ़्लाइट उस दिन से लेके पर डे का आपकी जो भी प्लानिंग से ट्रिप्स है वो सब आपको मेंशन करना है, किस किस दिन आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हो, वो पूरे आइटनरी एक रफली आपको वो शो करवाना है। अगर आपको आइटनरी और कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अलग से उसकी सेपरेट वीडियो बना के दूंगा कि आइटनरी और कवर लेटर कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों के यूट्यूब चैनल देखे थे। जैसे मैंने मुझे कवर लेटर और आइटनरी बनवानी थी, तो मैंने बहुत सा गूगल पे सर्च किया था, लेकिन वहाँ पे सब मेन एप्लीकेंट का ही कवर लेटर आइटनरी शो करवा रहे थे। आइटनरी तो चलो दोनों में सेम होता है, लेकिन कवर लेटर दोनों में डिफरेंट होता है। अगर आपकी वाइफ स्टूडेंट है, जॉब कर रही है, या हाउस वाइफ है, तो सारे केस में कवर लेटर में हमें सब जो मेंशन करना है वो सारा कुछ डिटेल हमें शो करनी पड़ती है। तो उस केस में मैं आपको कवर लेटर और आइटनरी का अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस, डमी टिकट्स, होटल बुकिंग, कवर लेटर एंड आइटनरी, आइटनरी कवर लेटर, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सेम डेट मेंशन होनी चाहिए, ट्रिप की सारी डिटेल्स सेम डेट्स मेंशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, फिर उसके बाद आपको जितने भी एप्लीकेंट है उसके सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, जॉब के डिटेल्स, सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट, मैरिड है तो मैरिड सर्टी और वैलिड आईडी प्रूफ, ये आपको कंपलसरी ले जाना। जितने भी एप्लीकेंट है उन सब के अलग से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको, हम तो 4 या 5 कॉपी ले गए थे, लेकिन उन्होंने उन्होंने एक एक कॉपी ही ली थी, तो एक एक फ़ोटो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा बस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास प्रॉपर है और ये प्लान के हिसाब से अगर आप जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अच्छे से बुक्स करोगे, होटल, डमी टिकट्स, तो आपका वीज़ा 100% लग जाएगा, वो मैं गारंटी दे के आपको बता रहा हूँ। तो बस ऐसे ही हमारी जर्नी रही थी, हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी थे हमने डिटेल से फिल किए थे, प्रॉपर हमने फिल करके सबमिट करवाया, तो हमारा वीज़ा हमें मिल गया था। और मुझे वीज़ा मिला है तकरीबन 7 मंथ का वीज़ा मिला है, और 90 डेज मैक्सिमम मैं वहाँ पर स्टे कर सकता हूँ। तो बाकी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए इस रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और प्लीज़ गाइस, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल देखते हैं, आते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आगे नई वीडियो लाने में भी मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।